हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी जैसे क्या मुझे जानते हो मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमी बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक प्राइवेट और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज की वीडियो है प्रॉपर जो बिगनर है, जैसे ये भाई है, भाई का नाम है शिवांश, सही ना? yes. नाम मैं थोड़ा गिव ले रहा उसके लिए सॉरी। और भाई है चिब्बे से, यहाँ से 10-12 किलोमीटर के ना 15 किलोमीटर दूर है। तो आज सारी वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जिसको स्विमिंग आती है वो बिगनर्स की तरह नहीं कर सकता, पर जो बिगनर है वो प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। तो जो प्रॉब्लम आपको आती है ऑब्वियसली वो भाई को भी आएगी। तो आज की वीडियो लंबी भी हो सकती है, उसके लिए सॉरी एडवांस में मांग लेता हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी कि हाँ, अभी मोस्टली मेरी भी यही गलती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे बता रहा हूँ वो चीज़ आप भी देख लेना और भाई को भी समझ में आ जाएगी। आई होप भाई तुझे कितने 3 दिन हो गए ना आते हुए? दो दिन हुए हैं। तो आज मेरी इसकी फर्स्ट क्लास है, मैंने वीडियो शूट करनी थी तो ये भाई आया था। तो आज मैंने खुद पानी में नहीं जाना, पहले मैंने खुद जाना था, टिप्स देनी थी आपको। तो आज मैंने आपको बिगिनर्स के लिए, मतलब कि क्या होता है कि बिगिनर्स को बता दिया मैंने वीडियो में कि ये चीज़ करनी चाहिए, पर बिगिनर्स को करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि भाई ने मेरी वीडियो देखी हुई है, ये कैप कैसे डालते हैं, पर भाई ने कैप गलत डाल रखी है। कैप डालते समय चीज़ क्या रखना, आपने ये तो देख लिया कि मैं कैप के अंदर हाथ डाल रहा हूँ, ठीक है, पर जो ये सेंटर वाली लाइन है ना, ये वाली बाइक की इस वेले ऐसे है, उसने हाथ अंदर डाल के ही डाला है, पर ऐसे नहीं डालना होता। कैप डालनी होती है ऐसे, कैप के अंदर जो हाथ डालते हैं ना वो ऐसे डालते हैं। वीडियो को गौर से देखा करो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आता है। ये लाइन है ना, ये लाइन जब आप हाथ के बीच में डालोगे सेंटर में, ठीक है, अब इसको सिर के ऊपर रख, देन छोड़ कर आराम से डल जाएगी। ये होगी कैप हमारी सेट, ठीक है। तो पहले कैप डाली थी और अब कैप डाली, आप चेक कर सकते हो अब ज़्यादा बेटर है कि या पहले जो बाइक ने डाली थी वो ज़्यादा बेटर रहती है। ये कैप ऐसे डलती है और इसमें क्या होता है कि पानी हमारे साइड में से जाता है। अगर ये जो लाइन है, अगर ये ऐसे होगी तो ऑब्वियसली पानी ऐसे आएगा, अगर ये लाइन ऐसे रहेगी तो ऑब्वियसली पानी ऐसे जाएगा। वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो आई समझ में आपको कि ये हम ऐसे क्यों डालते हैं। ओके, तो गोगल्स है, गोगल्स तो ये भाई देना। अब ये भाई की गोगल्स में उल्टा सीधा है, ठीक है, इसमें ये कट आप देख सकते हो, ये वाला कट ये नीचे आएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे डालेगा तो इसके नाक पे यहाँ पे ये चीज़ लगेगी और आंखों में बार बार पानी भी आएगा। इन गोगल्स का ये पंगा रहता है, इस गोगल्स का उल्टा सीधा कुछ नहीं है, ये चेक कर सकते हो, ये चाहे ऐसे लगा लो चाहे आप ऐसे लगा लो, इसमें उल्टा सीधा नहीं रहता, पर इसमें उल्टा सीधा रहता है। इसमें जो नोज़ की कटिंग है ये आप चेक कर सकते हो, नोज़ की कटिंग है, ये चीज़ ऐसे रहती है। तो ये गोगल्स कुछ ऐसे लगते हैं, अब देख सकते हो कि ये गोगल्स ऐसे लगेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लगाने की कोशिश करूँगा ना तो इसमें पानी भी जाएगा और दूसरी बात कि मुझे दिक्कत भी होगी। तो ये गोगल्स में रहते हैं, ये स्टार्टिंग जो गोगल्स होते हैं वो यहाँ से होते हैं, ऐसे वाले स्टार्टिंग होते हैं। इनके रेट अलग अलग रहते हैं, कई जगह 60 रुपये के मिलते, कई जगह 100 के मिलते, कई जगह 120 के मिलते। जैसे दिल्ली में ये आपको 70 से 80 रुपये के बीच में मिलेंगे, यहाँ पर 250, 200, 100, 70, 80, 100, मतलब कि अपने हिसाब से रहता है, ठीक है ना। तो चलो अब पानी में चलते हैं, बाइक को भी लेके चलते हैं पानी में। मुझे जाने की ज़रूरत पड़ी तो जाऊंगा, अगर नहीं जाने की ज़रूरत पड़ी तो नहीं जाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आपकी, सेम आपने करना है, भाई बिगिनर है, भाई को 2 दिन हुए हैं, पर मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो फर्स्ट डे ले रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना। हाँ, मैंने लेना है कैमरा, तो कैमरा के लिए अगर आपने योगदान पाना है तो मेरा यहाँ QR कोड आ जाएगा, भाई को एक साइड में करता हूँ, यहाँ खाली जगह में QR कोड आ जाएगा, आप उसको स्कैन करके उसमें आप जो भी अमाउंट डालना चाहते हो डाल सकते हो। ये सोच के डाल लो, चाहे आप कैमरा के लिए डाल रहे हो, चाहे ये सोच के डाल लो कि आप मुझे फ़ीस पे कर रहे हो, दोनों में से कुछ भी कर लो। क्योंकि जो मेरे कैमरे लेने हैं, मैंने 3 लेने हैं और वो आई थिंक 1 लाख के आसपास आने वाले हैं। तो उससे क्या होगा, उससे स्विमिंग जो मेरी है ना वीडियो है वो और बेटर आएगी, क्योंकि मैं कैमरे पानी वाटरप्रूफ वाले लेने हैं, GoPro लेने हैं, तो उसमें जो नीचे रहेगा पानी के अंदर कैमरे लगाऊंगा तो उसमें योगदान होगा आपका, आपको भी रहेगा कि हाँ भी हमारा भी योगदान है। बाकी जिनकी पेमेंट आएगी वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अभी किस किसने कितनी पेमेंट की है। आई होप कि जब आप पेमेंट करते हो वहाँ नाम का आता है, तो आप अपना नाम और कहाँ से हो ये ज़रूर डालना। तो शॉर्ट आउट उसके ऊपर स्पेशल एक अलग से वीडियो बनेगी, तो शॉर्ट आउट भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी ने दिया लापता हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिलहाल। तो फ्रेंड्स, भाई को ब्रीथिंग आ चुकी है, जो ब्रीथिंग कर रहा है ये चेक कर सकते हो, ये ब्रीथिंग एकदम सही कर रहा है। पर अब यहाँ पर समस्या क्या है, ये ब्रीथिंग जो कर रहा है इसमें समस्या ये है कि ये सिर्फ रेगुलर ब्रीथिंग नहीं कर रहा, ब्रीथिंग करके काफ़ी देर बाहर आके होल्ड कर लेता है, ठीक है। तो भाई कंटिन्यू ब्रीथिंग करनी है, मतलब कि ब्रीथिंग करके बाहर आके फिर नीचे आके ब्रीथिंग करनी है, नॉन स्टॉप करनी है, और इतना खड़ा नहीं होना, सिर्फ दो मुँह बाहर निकाल के सांस लेना है, ये वाली चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
क्योंकि स्विमिंग में जब करते हुए आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी जो आप होल्ड करके इतना टाइम करते हो वो चीज़ की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो ब्रीथिंग वाइप की कंप्लीट हो गई है, दो दिन हुए हैं, पहले दिन में उसने ब्रीथिंग कर ली थी। अब आएंगे फ्लोटिंग पे, ठीक है। अब करते हैं फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का देखते हैं भाई का हाथ कहाँ तक पहुँच चुका है। ये है फ्लोटिंग, ठीक है भाई। फ्लोटिंग जो कर रहा है, फ्लोटिंग में ऊपर आके तुरंत पैर चला रहा है, सही है, बढ़िया है, पर ये आई थिंक स्टोर नहीं कर रहा और कमर को ज़्यादा मोड़ रहा है। तो ये दूसरा दिन रहता है फ्लोटिंग का, जो उसने फर्स्ट डे की थी ब्रीथिंग की थी जो कि कंप्लीट हो गई थी। अब फ्लोटिंग में किकिंग करने नहीं है, बेटर है, और किकिंग जो चल रही है इसकी नीचे नीचे चल रही है, किकिंग थोड़ी और ऊपर आएगी। और भाई पहले सिर्फ फ्लोट कर, पहले सांस ले लंबा सारा, होल्ड कर, लेग्स को पूरा ऊपर आने दे, ऊपर आ गई फिर स्टार्ट कर, ठीक है। हाँ हाथ मत छोड़ और कमर को मोड़ मत, कमर का जो बैक हिस्सा है ना वो तू मोड़ रहा है, वो नीचे जा रहा है, वो नहीं नीचे जाना चाहिए। पेट में भी अगर सांस रुक रहा है रुक लें दे, देख इधर मुंह में हवा भर ली उसको मुंह में ही रख और फ्लोट कर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने सेम ऐसे करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में होती है दिक्कत पर धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भाई कर रहा है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में याद रखना है कभी भी जब आप फ्लोट करते हो स्टार्टिंग में आपने ब्रीथ होल्ड करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपने ब्रीथिंग के साथ प्रैक्टिस करनी है। ब्रीथ होल्ड करते समय जब आपने प्रैक्टिस करनी है, होल्ड कर ली तो दोनों पैर एक साथ नहीं उठाने, पहले एक पैर आपने ऊपर ले आना है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, आपने होल्ड कर ली देन ये वाली पोजीशन में आ जाना। इससे क्या होगा, इसकी आपकी पूरी बॉडी ही फ्लोट में आ जाएगी, पूरी बॉडी हवा में आ जाएगी। उसके बाद आप एक लेग, सिर्फ एक लेग ही ऊपर लेके जानी है, जैसे ही एक लेग ऊपर चलेगी देन किकिंग स्टार्ट। इससे क्या होगा, इससे आपकी फ्लोटिंग थोड़ा ज़्यादा बेटर होगी। क्या होता है कि हम दोनों पैर एक साथ उठाने की कोशिश करते हैं तो जब तक ये पैर ऊपर जाते हैं तब तक हमारा बैलेंस थोड़ा नीचे आ जाता है। कमेंट आ रहे थे कि भाई मुझे मैं स्विमिंग करते समय मेरा बैलेंस नहीं बन रहा, वो बैलेंस भाई तुझे फ्लोटिंग के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब फ्लोटिंग के ऊपर काम हो गया तो बैलेंस भी बनने लग जाएगा, फ्लोटिंग के साथ किकिंग, ठीक है ना, उससे आप तेरा बैलेंस बनेगा। क्योंकि जल्दी बैलेंस बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका बेटर वो रहेगा बैलेंस, ठीक है। तो चलो अब दिखाते हैं आप आगे। एक पैर को हवा में रख के देन ऊपर करके फ्लोटिंग देन सही है, ये देख सकते हो। अब ये यहाँ पे है फ्लोट एकदम ओके है, पैर नीचे बार बार जाएंगे, पैर को थोड़ा तेज चला। तो ये आप मूवमेंट चेक कर सकते हो, ये भाई बिल्कुल बिगनर है, मतलब कि आप देख सकते हो कि आपके साथ भी यही सेम इशू आते होंगे। ये चीज़ें जितना मर्जी समझा लूँ ये प्रैक्टिस के साथ ही जाएंगे। किक को थोड़ा तेज कर, पूरा पानी में छप छप करते ना वो वाली किक कर, किकिंग कर पूरी। अब देखो फ्रेंड, अब जो किकिंग है, किकिंग जो ये कर रहा है एकदम, बल्कि जो प्रेशर है उसको बुक बुक सुन रहा होगा आपको, वो चीज़ सुन रही है और इसके साथ इसकी जो बॉडी है वो भी अपने आप ऊपर रेडी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने करनी है, कर 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 कंटिन्यू कर, इसको इसके 10 सेट मार ले। अगर आपकी फ्लोटिंग पूरी होगी, मतलब कि क्या होगा कि जब आप ऐसे करोगे तो फ्लोटिंग के साथ अपने आप सपोर्ट मिलती रहेगी, किकिंग और फ्लोटिंग। जब आप थक गए तो फ्लोटिंग करने लग गए, जब आप नहीं थके हो तो किकिंग करने लग गए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे रहेगी, इसका ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा ऊपर रह रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ और नीचे जानी चाहिए, ठीक है ना। ये ऊपर वाला पार्ट जो रख रहा है ऊपर, देन वो चीज़ नहीं रखनी, अब ये सही है, ठीक है। किकिंग देख सकते हो, ये आप जब पूरी इतनी तक आ जाओगे धीरे धीरे आप आगे जाने लग जाओगे तो बेनिफिट रहेगा। आई होप कि आपको टिप्स समझ में आ रही होगी जो मैं बता रहा हूँ। ये भाई है बिगनर, बिल्कुल बिगनर है। तो सेम आपको भी यही समस्या आ रही होगी, पैर नीचे जा रहे होंगे। तो अगर बार बार पैर नीचे जा रहे हैं एक ही चीज़ पे मत कर अटके रहना, क्योंकि क्या होता है कि जब आप करते हो तो एक दिन एक मिनट में एक सेकंड में दिमाग में आ जाता है कि हाँ मैं यहाँ पे ये गलती कर रहा हूँ, वो चीज़ रहेगी। तो अभी ये भाई किकिंग कर रहा है, किकिंग इसकी एकदम सही कर रहा है, मतलब कि जो टुक टुक की आवाज़ आ रही है ना वो सही है, मतलब कि प्रेशर जो आ रहा है वो एकदम सही आ रहा है। अभी यहाँ पे ये प्रेशर आएगा, जब स्विमिंग करेगा तो उसमें थोड़ा प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, पर जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करेगा तो उसके साथ अपने आप चलती रहेगी, ठीक है। तो बिगिनर्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, अनबैलेंस कैसे आता है, ये सारा कुछ ये अभी भाई फ्लोटिंग में, ब्रीथिंग में, मतलब कि फ्लोटिंग में इसका थोड़ा हाथ टाइट है, पर जब एक कंटिन्यू ऐसे किकिंग करेगा ना तो उसके बाद इसको फ्लोटिंग भी अपने आप आ जाएगी जब ये एक्सपर्ट हो जाएगा। ये नहीं कि हाँ अभी हमने पूरा लकड़ बनना है, ऊपर ऊपर तैरना है। अब हम क्या करेंगे, इसको किकिंग की यही प्रैक्टिस रखेंगे, देन इसको देंगे किकबोर्ड।
तो किक बोर्ड देंगे, ये किकिंग यही करेगा, तो पता चलेगा कि इसको कितनी देर किकिंग करने के बाद थक जाता है। चेक करो 10 से 15 किक मार के वो थक जाता है, क्योंकि वो प्रेशर से किक मार रहा है। तो अभी मिलेंगे किकिंग बोर्ड। अब वो आया किक बोर्ड के ऊपर, इससे क्या होगा, इससे अगर इसकी फ्लोटिंग में फ़र्क आ रहा है तो वो कंटिन्यू थोड़ा सुधरता जाएगा, फ्लोटिंग में सुधरता जाएगा, किकिंग में सुधर जाएगा। अब इसकी स्पीड देखो, उसकी किकिंग सही है तो उसकी स्पीड पहली बार में इतना हो गया, क्योंकि जो बिगिनर होता है वो इतनी किकिंग नहीं कर पाता, वो बीच में 4 बार रुकता है, और ये अभी रुका है 2 बार, मतलब कि पूरे में ये 3 बार रुकेगा आई थिंक, तो मोस्टली 3 बार ही रुका है। पर जो स्लो, मतलब कि जो हल्की किकिंग करता है वो इसमें कम से कम नहीं 3 से 4 3 बार ये रुका है, तो वो कम से कम नहीं 6 से 7 बार रुकेगा अगर उसकी किकिंग हल्की होगी। इसकी किकिंग सही है जिसके कारण ये जल्दी थकता है, पर इसकी दूरी देखो कितनी जल्दी तय हो रही है। चलो अब दिखाता हूँ किकिंग बोर्ड के साथ। फ्रेंड्स देखो इसकी किकिंग, देखो इसकी किकिंग कितनी सही काम कर रही है, और फ्लोटिंग किक बोर्ड के साथ इसको क्या होगा कि इसको फ्लोटिंग के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं रहेगी और फ्लोटिंग अपने आप आ जाएगी, और देन इसकी जो किकिंग के साथ ये रहेगी इसकी स्पीड हो जाएगी, धीरे धीरे इसको पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमने फ्लोट कैसे करना है। अभी ये किक बोर्ड को बहुत टाइटली पकड़ रहा है, अब हम किक बोर्ड को इसको लाइट करेंगे, कैसे लाइट करना है, इसकी किकिंग देख रहे हैं, कोशिश कर की है इसको सिर्फ 2 बार में पार करने की, इससे ज़रा स्टेमिनर बढ़ेगा, ठीक है। और सांस चढ़ाए तो ब्रीथिंग की, अगर अब तुझे सांस चढ़ गया तो ब्रीथिंग कर, इससे जल्दी कहो, हाँ बबलिंग, तो इससे तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ वहाँ तक जाके 5 बार बबलिंग करनी है, यहाँ पे आके 5 बार बबलिंग करनी है, फिर किकिंग करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ब्रीथिंग से क्या होता है कि अगर हम बाहर सांस लेते हैं तो हम ज़्यादा देर तक करेंगे, अगर हम ब्रीथिंग कर लेते हैं तो हम जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। 5 ब्रीथिंग करो देन वापस 5 ब्रीथिंग करो, इससे स्टेमिनर को भी फ़र्क पड़ेगा। और भाई ने जो हाथ में डाल रखा है वो बाजू काली ना हो इसलिए डाल रखे हैं, अदरवाइज आपको लगता है कि मुझे गोरा रहना है तो आप भी बाजू में वो डाल सकते हो। 5 बार ब्रीथिंग होगी, अब कोशिश करिए कि 2 बार में ये पूरा कर दें, ठीक है ना। फिर धीरे, अब जैसे तूने 3 बार पूरा किया था, ठीक है, फिर धीरे जब तुझे सांस चढ़ जाते ना तो ब्रीथिंग कर दे, किकिंग कंटिन्यू रख, फिर सांस मुंह लेके फिर अंदर, ठीक है ना, ब्रीथिंग की प्रैक्टिस है ना वो, हाँ हाँ बस बस। और किक बोर्ड को इतना टाइटली नहीं पकड़ना, किक बोर्ड को थोड़ा नीचे से पकड़ना है, नीचे से पकड़, दोनों हाथ नीचे से रख, किक बोर्ड दे, किक बोर्ड को ना अब यहाँ से पकड़िए, यहाँ से दोनों हाथ आएंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है। किक बोर्ड के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना, और कोशिश करनी है कि 2 बार में, बल्कि बीच में सेंटर में रुकना जरूरी नहीं है, रुकना अगर पहली बार में होता बेटर है, ठीक है ना। सांस लेने के लिए अगर तुझे लग रहा है कि मैं वैसे सांस नहीं ले पा रहा हूँ, देन आप ब्रीथिंग सांस ये नॉन स्टॉप करना है। चलो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स ये देखो अब किकिंग स्टार्ट है, अब किक बोर्ड इसका नीचे जा रहा है, क्योंकि किक बोर्ड इसको उल्टा करना पड़ेगा, ये खेलते रहते हैं, हम मोल्ड कर देते हैं। ये देखो ये बिगिनर्स को ये चीज़ करनी आनी चाहिए, ये अब इसका मैंने स्टेप इसको आगे ले गया, जो करते समय हम फ्लोटिंग करनी होती है, ब्रीथिंग करनी होती है, ये चीज़ अब इसको आएगी। बहुत बढ़िया, ये भाई मतलब सीखने का बहुत ज़्यादा, जब ये पूल स्टार्ट नहीं हुआ था 3 बार आया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्रीथिंग कर 5 बार ब्रीथिंग कर। तो फ्रेंड ये ब्रीथिंग करनी है आपने, किक बोर्ड देना, जब प्रेशर स्टार्टिंग से प्रेशर लेते हो कोशिश कर ये करना होती है कि किक बोर्ड को आप ऐसे ऊपर रखो, ठीक है। तो ये किक बोर्ड बीच में बच्चे ले लेते हैं और खेल खेल के इसको ख़राब कर देते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग होगी, चलो फिर से, ठीक है, आराम से जब ब्रीथिंग लेता है ना उसको आराम से पानी में माइंड को कूल रख के ना फिर छोड़ा कर, ठीक है, फिर आराम से सांस ले, ज़्यादा इतना मुंह बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, मुंह बाहर निकाल, ठीक है, पूरा नहीं है, पूरा सांस लेके पूरा खाली करना है, थोड़ा ले थोड़ा छोड़, थोड़ा ले थोड़ा छोड़, ठीक है, ओके चल ओके। तो फ्रेंड्स ये देखो जब वो पूछ लेता है उसकी बॉडी नीचे जाती है, पर बिगिनर्स के लिए ये कॉमन रहता है, ठीक है ना। अब ये देखो इतनी दोन बिगिनर्स है, थोड़ा डर रहता है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो दोन उठा रहा है, ये देखना अभी दोन उठाएगा, और देखो कितना ज़्यादा बाहर उठा रहा है, तो इतना ज़्यादा बाहर दोन नहीं उठानी, कंफर्टेबल रखना है, थोड़ी दोन उठानी है बाहर। तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा बाहर करके इसको, मैं अभी पूल में जाऊंगा पानी में इसको दिखा दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पहले मैं इसको कवर कर दूं, लास्ट में मैं जो मिस्टेक्स है वो मैं आपको बता दूंगा। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अभी भाई कर रहा है प्रैक्टिस, आपने भी सेम प्रैक्टिस करनी है, इसका है आज 3रा दिन, 3रे दिन में ये काफ़ी आगे आ गया है, कईयों को यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है। किकिंग इसकी सही है, ब्रीथिंग इसकी सही है, और अभी ये किक के साथ फ्लोट कर रहा है, इसके साथ आपने नोट करना है, जैसे कि आज इसका 3रा दिन है, आपने क्या करना है, जैसे कि अब ये बाइक ऐसे कर रहा है ना, जैसे ये पहले 3 बार रुका था तो हाँ इसकी कैपेसिटी से पता चल गया कि ये और ज़्यादा कर सकता है, देन नॉन स्टॉप शुरू हो गया, ब्रीथिंग लेने आ गई इसको कि कैसे हम किकिंग करते समय कैसे ब्रीथ लेनी है। अब लास्ट तक देखोगे तो पानी के अंदर मैं जाके बता दूंगा कि कहाँ पे ये गलती कर रहा था,
और कॉमन है, इतनी गलती चलती है, लेकिन जो पानी से फेस बाहर निकल रहा है इतना निकाल रहा है, पानी से सिर्फ हमने मुंह बाहर निकालना है, सांस लेना है, क्योंकि पानी हिल रहा होता है तो इसको डर रहता है कि कहीं अंदर ना चला जाए। और दूसरी बात कि ये पानी जो ब्रीथ लेता है बहुत ही लंबी लेता है, लंबी ब्रीथ नहीं लेनी, ना लंबी ब्रीथ छोड़नी है, छोटी ब्रीथ लेनी है, छोटी ब्रीथ छोड़नी है। जैसे नॉर्मली हम सांस लेते हैं, हम क्या करते हैं पानी में नर्वस हो जाते हैं, हम ज़्यादा ब्रीथ होल्ड करते हैं और ज़्यादा ब्रीथ थ्रो करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी स्पीड को या उसको टाइम बढ़ता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। हम क्या करते हैं इसको ज़्यादा स्पीड में छोड़ रहे हैं, नॉर्मल हो वो और नॉर्मल छोड़ो, धीरे से छोड़ो। इससे क्या होगा, इससे आप ज़्यादा दूर जाओगे माइंड शांत रहेगा। जब हम ज़्यादा सांस लेते हैं और ज़्यादा सांस छोड़ते हैं तो माइंड भी नर्वस रहता है कहीं पानी में ना चला जाए, और ज़्यादा लेने के चक्कर में हमारे अंदर पानी भी चला जाता है। तो कम लेना है, अब देखना ये जैसे भाई मेरा मुंह बाहर निकाल लेगा तो ये ज़्यादा, वो देखो हद से ज़्यादा आता है, पर धीरे 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 कम होता जाएगा, ये नर्वस हो जाएगा, बल्कि नर्वस इसका दूर हो जाएगा, नर्वसपन दूर हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। तो ये था इसका आज तीसरे दिन का स्टेप, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो स्टार्टिंग में कर रहा था, ये बैठ के सीधा खड़ा हो रहा था, फिर होल्ड कर रहा था, नहीं अब दूसरे में, पहले मैं इसने ब्रीथिंग की प्रैक्टिस क्या की थी, जैसे बाहर आके सांस लेके फिर अंदर जाना, फिर सांस लेके अंदर जाना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने ये नहीं करना कि हमें ब्रीथिंग ले ली, खड़े हो गए आराम से आधा घंटा लगाया फिर अंदर चले, उससे आपको पानी में अगर फ्यूचर में टाइम नहीं होगा दिक्कत होगी, इसकी अभी होगी इसको, ठीक है ना। और कोशिश करना जब आप ब्रीथ कर रहे हो, जैसे ये भाई देखो, अब देखो कितना बाहर निकल रहा है, कोशिश करो कि कम बाहर निकलो, सिर्फ मुंह बाहर निकलो। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ये भाई कर रहा है ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग कर रहा है, देखो कितना बाहर आ रहा है, ठीक है, चेस्ट तक बाहर आ रही है, तो आना चाहिए कला फेस। अभी देखता हूँ भाई, ओए शिवराज भाई, ब्रीथिंग लेते समय सिर्फ इतना सा फेस बाहर निकाल, पानी के अंदर जा, सिर्फ फेस बाहर आना चाहिए ब्रीथिंग लेने के लिए, पूरी बॉडी में बाहर आनी चाहिए, ठीक है, कर। इससे बेनिफिट क्या होगा, आप पानी के साथ ज़्यादा बैठ रहोगे और आपका कम टाइम जाएगा, ठीक है। अब इसको सांस नहीं चढ़ा हुआ, पर ये ब्रीथ ज़्यादा तेज छोड़ रहा है भाई। जब पानी में जाना ना, ब्रीथ को छोड़ना नहीं है, नॉर्मल जो सांस लेते ना उस स्पीड में रख, ठीक है ना, जो बच गया। जैसे तो हम पानी में जा रहे हैं ना, तो पानी में जाते समय बहुत तेज ब्रीथ छोड़ रहा है, बहुत तेज, जिसकी जितनी तेज तू ब्रीथ छोड़ रहा है उतनी तेज आगे बाहर उतना ज़्यादा ले रहा है। नॉर्मल ले, नॉर्मल ले, नॉर्मल छोड़, ठीक है ना, आराम से छोड़, ठीक है, और ज़्यादा बाहर नहीं आना, सिर्फ इतना फेस बाहर आना चाहिए, ठीक है ना। चल हाँ, अब इसकी ब्रीथ सही है, जो नॉर्मल आनी चाहिए वो आनी चाहिए, ज़्यादा ब्रीथ में ज़्यादा सांस नहीं छोड़ना, नॉर्मल छोड़ना जैसे हम लेते हैं। तो अब चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप क्या है, अब अगला स्टेप आ गया है, जैसे किकिंग बोर्ड के साथ किकिंग कर ली, अब करेंगे विदाउट किकिंग, सेम सारा प्रक्रिया रहेगा, इसमें ये सांस लेने में इसको दिक्कत होगी, पर विदाउट किकिंग करनी है, ठीक है, और वहाँ तक जाना है पूरा, कोशिश करेगा कि दो बार, भाई कोशिश करना है कि दो बार में पहुँच जाए, ठीक है। हाँ तो अभी ये कर रहा है विदाउट किक बोर्ड में, इससे क्या होगा, पहले हमने किक बोर्ड के साथ की, अब ये विदाउट किक बोर्ड भी बेटर कर, भी बेटर। तो आपको मैं बैक कैमरे से भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे कर रहा है। तो आई होप कि आपको सेम स्टेप फॉलो करने हैं, अभी के लिए इतना ही है। तो जो इसके स्टेप है, अब मैं आपको पानी में जाके बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ इसकी मिस्टेक थी और कौन सी मिस्टेक थी, वैसे मैंने बाहर बता दिया, मैं सांस कैसे लेता हूँ कि कैसे लेना चाहिए वो चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने उसको ब्रीथिंग बताया था सेम वैसे ही, जैसे कि मैंने अभी तो प्रेजेंट में बताया, धीरे 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 ये और परफेक्ट होता जाएगा, जिसके कारण होगा क्या, इसको आसानी से स्विमिंग आ जाएगी और स्विमिंग में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। हाँ तो चलो अब एक बार फिर से अब बैक से इसकी स्विमिंग दिखा देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये चला गया, अब चेक कर सकते हो उसकी जो किकिंग है और उसकी हैंड मूवमेंट है, अभी वो कमर थोड़ी बेंड कर रहा है, पर कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस करके अपने आप हो जाएगी। अभी इसकी ब्रीथिंग लेने की इसको अभी आदत नहीं है ना किकबोर्ड के बिना, तो वो चीज़ अभी इसकी कम है। तो भाई मैं भी बढ़िया कर रहा है, बहुत सही कर रहा है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, बहुत सही है। अब देखो जब किकबोर्ड छूटा था उसमें ये थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। जब ब्रीथिंग जब सांस लेनी है ना बाहर, अभी तो ये दिक्कत होगी, जब सांस लेनी है ना, अभी सांस लेने की कोशिश मत कर, ठीक है ना। हाँ बाहर सांस लेने की कोशिश मत कर, किकिंग कर रहा है ना, फ्लोट करके सिर्फ किकिंग करता उधर तक जा, जहाँ पे तू थक रहा है ना
वहाँ पे, मतलब कि जब बाहर निकलने वाला है ना ब्रिज छोड़ दी वहाँ, फिर खड़ा होके एक बार ब्रिज करके फिर जा, ठीक है ना। अभी तू इसके साथ सांस नहीं लेनी, सिर्फ फ्लोटिंग और किकिंग करनी है, ठीक है ना। उसके बाद धीरे 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 हम ब्रीथिंग पे आएंगे, ठीक है, गो। और उधर जाके 5 बार ब्रीथिंग करके देन वापस आना है, इतनी देर रुकना नहीं है, चाहे सांस चढ़ा है चाहे नहीं चढ़ा, स्टेमिना तभी गेन होगा। अगर हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे फिर वापस नॉर्मल हो जाएगी। आपने भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ जाके रुकना नहीं है कि हाँ हम सांस लेने के लिए रुक रहे हैं, 5 बार ब्रीथिंग करो देन वापस। क्या होगा, आप 1 बार में पार करो या 2 बार में पार करो, वो 3 बार हो जाएगा, 1 बार बढ़ जाएगा, पर आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और आपका जो माइंड सेट है ना वो आपने सेट पहले कर लेना है कि हाँ भाई मैंने आज 20 राउंड मारने हैं, 10 राउंड मारने नॉन स्टॉप, तो वो मारने के बाद आप आराम से सांस लोगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब पहले ये सांस लेने के चक्कर में, भाई रुक जाए यार वो कर रहा है, तो अब ये सांस लेने के चक्कर में देख के चला कर यार, अब बंदा आ रहा है ना तो उसके आगे कूद रहा है, चल। तो अब ये सांस लेने के चक्कर में अपनी फ्लोटिंग भूल जाता, किकिंग को दिक्कत कर दिया। जल्दी सीखने की कोशिश करनी, आराम से सीखने की कोशिश करनी, जितना आराम से सीखोगे उतना बेटर होगा। अब देखो इसकी किकिंग नहीं चल रही, मतलब कि पानी के अंदर अंदर चल रही है, बाहर क्यों नहीं चल रही, क्योंकि बॉडी टाइट हो रही है, पर धीरे 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 हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप चेक कर सकते हो, अब देखो अब इसकी ब्रीथिंग को ऑटोमेटिक फर्क पड़ जाएगा, तो बेटर हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ पानी में, ताजो भाई ने काफ़ी बेटर किया, बहुत ही अच्छा किया। अगर देखा जाए तो अगर इसको ऐसे टीच मिलेगी तो ये 15 दिन में पूरी स्विमिंग करना सीख जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करके ये स्टेमिना बढ़ा लेगा, क्योंकि वैसे 4 दिन में ये सीख जाते हैं, स्विमिंग इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि इसका आज 3रा दिन है, 3रे दिन में ये फ्लोटिंग और ब्रीथिंग करने लग गया, ठीक है, और किकिंग भी चल रही है इसकी। और इसमें ये किकिंग, अब देखो जब इसने किकबोर्ड छोड़ा तो मतलब कि सारा किकबोर्ड कितना था, अभी इसकी किकिंग बार नहीं रही, कमर को फोल्ड कर, कमर को फोल्ड नहीं करना। तो अब मैं जाता हूँ पानी में, पानी में मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ मिस्टेकिंग है, वो चीज़ बतानी है। अब कर रहे हैं हम फ्लोटिंग की प्रैक्टिस, ठीक है। अब सिर्फ फ्लोट करना है, ऐसे करना है, देखो ये कमर कितने अंदर कर रहा है, अगर फ्लोटिंग सही होगी तो कमर अंदर नहीं जाएगी, ठीक है ना। अब ये यहाँ रुकेगा फिर फ्लोट करेगा, कोई कमर ना फोल्ड कर, कमर फोल्ड मत कर, हाँ ये कमर नीचे कर रहा है, और कमर नीचे जाने की वजह से ये फ्लोट गलत कर रहा है, ठीक है, पर किकबोर्ड के साथ सही कर रहा है। तो मतलब कि मीन्स इसको अभी किकबोर्ड के ऊपर चलना है, देन फ्लोटिंग की प्रैक्टिस चल रही है, ये चल रही है फ्लोटिंग की प्रैक्टिस, ठीक है, ये फ्लोटिंग की प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। और फ्लोटिंग की प्रैक्टिस में गलती कहाँ है, इसकी कमर में, ठीक है ना भाई, कमर फोल्ड कर रहा है, कमर फोल्ड मत कर, ठीक है, सांस होल्ड कर, पहले पूरा पानी में जा, पूरा जब पानी में जाने के बाद एक पैर जरा जमीन पे है ना, एक पैर जैसे हम स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो फ्लोटिंग में, हाँ एक पैर पीछे है, पूरा पानी में चला जा, फिर हल्का सा पुश मार, प्रेशर मत मार, प्रेशर मारेगा तो पानी तुझे आगे नहीं जाने देगा, इसके साथ जोर करेगा, जोर जबरदस्ती करेगा तो ये तुझे कहीं नहीं जाने देगा, अगर तू इसे प्यार से चला जाए तो तू काफ़ी फ्लोट करेगा, ठीक है, चल पूरा फेस अंदर, देन हल्का सा पुश मार, देख तू कितनी दूर चला जाएगा, मुंह बॉडी अंदर, देन गो। हाँ तो फ्रेंड्स पानी के साथ ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, और ज़बरदस्ती करोगे तो नहीं होगा। तो अब मैं जाता हूँ पानी में तो बताता हूँ, भाई इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर, 10 राउंड मारने नॉन स्टॉप, ठीक है। मैं जा रहा हूँ पानी में और फ्लोटिंग की प्रैक्टिस बता दूंगा, देन आपको बता दूंगा कि जो किकबोर्ड के साथ किकिंग करते समय आपको मुंह कितना बाहर निकालना है, ये फ्लोट ज़्यादा है तो धीरे धीरे हो जाएगा, अब उसकी फ्लोटिंग बहुत सही होगी, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे इसको विदाउट किकिंग के साथ प्रैक्टिस आ जाएगी, ठीक है ना। चलो अब मैं पानी में जाता हूँ, तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स अब मैं छोटी छोटी मिस्टेक बताऊँगा, जैसे किकबोर्ड के साथ सांस कैसे लेना है, या फिर फ्लोटिंग करते समय हम कैसे आपको फ्लोटिंग के लिए तैयार होना है, ठीक है। दूसरी बात कि जब हम ऐसे फ्लोट करते हैं तो कैसे करनी है, 3 चीज़ें बताऊँगा। तो अगर आपने एंड तक पहुँच चुके हो तो लाइक भी कर दो, चलो अब दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स आ गया मैं पानी में, और पानी मुझे आज भी ठंडा लग रहा है। तो फ्लोटिंग की जो प्रॉब्लम थी वो बता रहा हूँ, साउंड पता नहीं कैसे आ रही है क्योंकि मैंने फोन पानी में डुबो दिया था, एक बार ब्रीथिंग कर लेते हैं। ओके, फ्लोटिंग के लिए क्या करना है, हम क्या करते हैं, हमें पहले पोजीशन ये लेनी चाहिए और बॉडी पूरी पानी में आ गई, मुंह अंदर करके देन फिर किक को उठाना है, जो दूसरी किक है फिर उसको उठाना है। आप पहले ऐसे हो जाते हो, यहाँ पे दिक्कत है, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, देन सिंपल है, आप एक किक उठा लो देन फिर मुंह अंदर करके फिर उठाओ। मेरे ऊपर पानी मारा, एक एक को उठा लो, बॉडी ऊपर कर लो, देन करो। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब आ जाता है फ्लोटिंग के करते समय, जब हम किकबोर्ड को, जो दूसरा स्टेप बताया था किकबोर्ड से सांस लेना है,
वो कैसे लेना है वो दिखाता हूँ, उसके लिए हमें चाहिए बंदा। ये चीज़ समझ में आ गई, जल्दबाजी में समझा दी, ठीक है। एक पैर उठा लो, बॉडी अंदर रख लो, देन हल्का सा पुश मारो, ऊपर आ जाना। अगर आपने नहीं पता तो मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो जो कि सिर्फ फ्लोटिंग के ऊपर है। चलो अब दिखाता हूँ किकबोर्ड के साथ किकिंग करते समय सांस कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स, अब किकबोर्ड के साथ जब भाई सांस ले रहा था वो कैसे ले रहा था, और मैं बताऊंगा कैसे लेना चाहिए। चलो चलें, किकबोर्ड हमारा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते समय प्रेशर नहीं मारना, आराम से। अब किकिंग करते समय इतना फेस आना चाहिए, सिर्फ इतना जितना आ रहा है। फोन के सीधा रख भाई मेरे, हाँ बस ऐसे रहे, वो फेस इतना आना चाहिए। वो क्या कर रहा है देखो, जब आप इतना फेस निकालते हो आपका बैक डाउन नीचे चला जाता है, तो क्या करना है, कम फेस निकालना है। हम पीछे आते हैं और दिखाता हूँ आपको। ज्यादा देर सांस होल्ड नहीं करना, कुछ सेकंड होल्ड करना है, देन छोड़ना है, लेना है, कोमर रखना है, ठीक है। इससे आप थकोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। अब आ जाता है ब्रॉड किकिंग, फ्लोटिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब देखो, कमर को नॉर्मल रखना, देन पुश मारना आराम से। एक पैर को आप हवा में कर लो पहले ही, दूसरा बाहर आने से पहले ब्रिज छोड़ दो, ठीक है। फिर से सेम पोजीशन, कुछ जोर से नहीं मारना अगर आप पानी के बाहर हो, ठीक है। आराम से मारना है, कुछ जोर से नहीं मारना होगा। फिर से आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये चीज़ आ गई ब्रीथिंग में, कम बाहर निकल रहे हैं, और जब आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, अब इसके साथ ब्रीथिंग करने के लिए क्या करना होता है ये देखो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी, बिगिनर्स के लिए रहती है। ये भाई का नाम क्या बताया था, शिवांश। ये शिवांश भाई ने ब्रीथिंग की थी, भाई एक बार ब्रीथिंग फिर से करी और मुझे देख लीजिए, उसमें मैं पानी के अंदर देख लूँगा तुझे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल ब्रीथिंग कैसे करनी है, भाई इधर आ जा क्योंकि सूर्य इधर है ना। ओके, अब मैं कैमरा लेके जाऊँगा, अगर कैमरा रुक गया वीडियो में हम कुछ नहीं कर सकते, तो पहले ये क्लिप ले लेता, उसके बाद हम। अब मैं ब्रीथिंग करने वाला हूँ, साथ में बाइक करने वाला है, भाई मुझे देख ली मैं कैसे कर रहा हूँ, तू भी देख ली कैसे कर रहा है, दोनों की ब्रीथिंग दिखाता हूँ। चलो पानी में कैसे जाना है, हमारी वीडियो रुक गई एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो लंबी है, थोड़ा आपको सीखने को मिला हुआ, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, शिवराज भाई का आज था तीसरा दिन ही था ना, शिवांश मेरा नाम आपको पता है, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, नाम मुझे याद नहीं थे। इसके साथ तीसरा दिन, पर इसकी जो कैचिंग पावर है, सीखने की क्षमता है, वो बहुत सही है। तीसरे दिन में ये किकिंग पे आ गया, किकबोर्ड के साथ, दौड़ किकबोर्ड के साथ। पर अगर आपको भी कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ये भाई का तीसरा दिन था, आगे मुझे पता नहीं, अगर मैं टाइमिंग पे आया ये हुआ तो मैं इसके और शॉट दिखा दूंगा आपको। जैसे कि अभी इसकी हैंड मूवमेंट रहती है कल के पार्ट में इसकी, हालांकि कल हैंड मूवमेंट पे शिफ्ट करना चाहिए, पर ये करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी ये विदाउट किकबोर्ड के किकिंग में थोड़ी दिक्कत कर रहा है, और इसकी फ्लोटिंग थोड़ी स्लो है। बाकी ओके है, पर एक दिन के लिए मुझे लगता है इसको किकिंग बोर्ड के ऊपर और रहना चाहिए। बाकी मेरी इस वीडियो में आपको क्या सबसे बेस्ट लगा, और आपको किस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, मोस्टली लेग्स जो इसकी नीचे जा रही है सेम उसको आती है, उसके लिए मैं टिप्स बता देता हूँ। जब आप फ्लोट कर रहे हो ना, मतलब कि पानी में फ्लोट कर रहे हो, तो आप नीचे पैरों को देखने की कोशिश करो। जब पैरों को देखोगे तो ब्रीथिंग छोड़ते रहना, जैसे ही जब नाक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो पानी अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए आप ब्रीथिंग छोड़ना, तो आपकी जो कमर का वो है ना, वो ऑटोमेटिक पार्ट ऊपर आ जाएगा, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। पर ओवरऑल जो इसकी मिस्टेक थी वो मैंने आपको खुद करके दिखा दी कि कैसे होनी चाहिए, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। शिवराज भाई तेरा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यार। तो लाइक कर देना, हाँ लाइक कर देना, याद रखना मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अभी बज गया लगभग एक, तो मैं आया था यहाँ 11 बजे,
दो घंटे हो गए इस वीडियो शूट करते हुए, और अभी एक डेढ़ घंटा मुझे एडिटिंग करने में, थंबनेल बनाने में सारा लगेगा, अपलोड करने में, बल्कि 3-4 घंटे लगते हैं एक वीडियो को अपलोड करने में। तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी अगर चाहते हो कि आप और बेटर आए, तो यहाँ पे QR कोड दिख रहा था स्टार्टिंग में, तो उसमें आप योगदान डाल सकते हो, जिसके कारण मैं कैमरे परचेज करके उनको पहले फिक्स करूँगा, ताकि मैं जब शूट करूँ तो मुझे कैमरा हैंडल ना करना पड़े। जैसे वो आपने स्विमिंग की ओलंपिक में देखा होगा, जो नीचे कैमरा चलता रहता है ऑटोमेटिकली, ऐसा सिस्टम तो नहीं होगा, पर हाँ ये है कि मैं उसको कैमरे को नीचे पानी की सेट कर दूँगा, ताकि जो हर एक मूवमेंट आपको क्लियर दिखे, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का ना। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और टिप्स आएगी, और ये बिगिनर्स है, क्योंकि अगर मैं बिगिनर्स की प्रैक्टिस मतलब की करना चाहूँ, गलत तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे आता है तो गलत नहीं होता, तो जिसको नहीं आता, जो जेन्युइन है, वो प्रॉब्लम आती आती है, क्योंकि मैं बोल के एक बिगिनर को बताना और एक बिगिनर देख के करता है। जैसे कि कैप का जो चीज़ बताइए, आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया करो, कैप का जो लाइन होती है वो कैसे डालनी है, वो मैंने हमेशा डाल के भी दिखाई है स्टार्टिंग में, पर जो कई है वो फिर भी गलती करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी। गॉगल्स को आप याद रखो, स्टार्टिंग जो गॉगल्स होते हैं जो भाई के पास है, वो स्टार्टिंग है, वो नॉर्मल कहीं पे भी मिल जाएगी, स्पोर्ट्स की दुकान पे कहीं पे मिल जाएंगे, अगर आसपास पूल है तो। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी, वीडियो लंबी है उसके लिए सॉरी, इसी तरह सपोर्ट करते रहे इस चैनल को। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।